हेलो यूट्यूब, ये मेरी पहली वीडियो है। ये है जिप्सी ई MG410 के डैशबोर्ड क्लॉक इंस्टॉलेशन के बारे में। हाउ टू इंस्टॉल डैशबोर्ड क्लॉक जिप्सी में। ये जो डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे ये एक होल आ जाता है। ये होल मेरी गाड़ी में पहले से है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट आता है, वो आपको सबसे पहले कट करना है। और ये जो वायर है, ये वायर अंदर की तरफ से मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे कनेक्टेड रहती ही है। यहाँ से पूरा उसका अर्थिंग का दिया हुआ है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा शायद सबको। यहाँ से वो फ्यूज बॉक्स से पूरा आया हुआ है। ये होता है हमारा जो है रेडियो का बॉक्स, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। उसको निकालने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये जो मेरी क्लॉक है, ये मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से, कोई टिटोनी कंपनी है, वहाँ से आई है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डैशबोर्ड क्लॉक फॉर मारुति सुजुकी जिप्सी न्यू। क्लॉक दिखने में कुछ ऐसी है। वीडियो बनने से पहले मैंने कुछ तामझाम करके रखा है यहाँ पे, जैसे कि वायर छीनना वगैरह, जिसमें आप बोर हो जाओगे। टाइम टू रिवील द ट्रूथ, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। सो गाइस, वायर्स कनेक्टेड हो गई है। यहाँ पे कलर कोडिंग का थोड़ा सा इशू था। ब्लैक स्टैंड्स फॉर अर्थिंग, ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ पे जो कलर्स दिए हैं क्लॉक के, दैट इज़ वन इज़ वाइट, काइंड ऑफ ग्रेश वाइट, एंड अदर वन इज़ रेड। और यहाँ पे जो है कलर्स फेड आउट हुए, लेकिन एक ग्रे है और एक ऑरेंज है। रेड जो है, रेड से रेड तो कनेक्ट हो जाता है, ये फेड हुआ हुआ रेड है, लेकिन रेड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेड और ब्लैक, ये ब्लैक जो है अर्थिंग प्रोवाइड करता है, रेड जो है कंटिन्यू बैटरी से कनेक्टेड रहता है। और ये जो वाइट और ऑरेंज जो कनेक्टेड है, ये स्टैंड बाय पावर के लिए। सो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपकी गाड़ी में चाहिए ही चाहिए। डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन में सबसे जो टास्क वाली जगह है वो है ये स्टेयरिंग कॉलम जो है अपना। इसके नीचे से बहुत ही स्लीक जगह है। यहाँ पे पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बहुत ही स्लीक जगह है। यहाँ से वो क्लॉक आपको अंदर की तरफ से यहाँ लानी है। ये होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस काम है। सो फाइनली अपनी ये जो डैशबोर्ड क्लॉक है वो इंस्टॉल हो गई है। उसके लिए यहाँ पे रेडियो के नीचे जो एक्सेस पैनल होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, वो यहाँ पे होता है। इस तरीके से इसके नीचे नट्स लगते हैं 10 साइज के। तो ये यहाँ से ये एस्ट्रे जो है वो निकल के ही यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसमें चूड़ियाँ आती है, इसलिए यहाँ का ब्लोर भी निकल दिया है।